ये तो आपने पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा कि हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि इसकी ऊंचाई इतनी तेज गति से भी नहीं बढ़ रही है कि हम इसे महसूस कर सकें, लेकिन फिर भी हिमालय धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है और इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। आज के हिमालय बनने की कहानी शुरू होती है आज से ठीक 25 करोड़ साल पहले। तब हमारी धरती पर इतने महाद्वीप नहीं थे जितने आज हमें दिखाई देते हैं। उस समय हमारी धरती पर केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उस पेंजिया महाद्वीप में भी टेक्टोनिक रिपल्सन होने लगा और इसके कारण उसके भी दो टुकड़े हो गए, लॉरेंसिया और गोंडावाना लैंड। और उन दोनों टुकड़ों के बीच की खाई को टेथिस सागर के नाम से जाना जाने लगा। आज के यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे महाद्वीप उस समय लॉरेंसिया महाद्वीप के हिस्से थे और शेष सभी महाद्वीप उस समय गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। हालांकि आज वर्तमान में भारत एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन उस समय भारत गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा था और भारत की खुद की एक अलग टेक्टोनिक प्लेट थी। और 7-8 करोड़ साल के बाद यूरोप और एशिया नॉर्थ अमेरिका से अलग हो गए और यूरेशिया के नाम से जाना जाने लगा। और उधर गोंडवाना लैंड के सभी हिस्से एक दूसरे से अलग हो गए और इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट करने लगी। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट यूरेशिया से जाकर टकरा गई और इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट हल्की होने के कारण यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर चली गई, जिससे आज के हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये प्लेटें आज भी मूवमेंट कर रही हैं, जिसके कारण हिमालय की नई पहाड़ियां बन रही हैं और हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन प्लेटों की मूवमेंट बहुत ही स्लो है, जिसके कारण हमें इनकी ऊंचाई बढ़ती महसूस नहीं होती है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही है कि इन प्लेटों का मूवमेंट इतना स्लो है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कुछ हजार सालों में केवल कुछ सेंटीमीटर ही बढ़ती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कभी भी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अर्थ की सरफेस पर कोई चीज तभी खड़ी रह सकती है जब उसकी हाइट 10 किलोमीटर से कम हो। अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा चली जाएगी तो वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह पर एक ऐसा माउंटेन है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है और ओलंपस मॉन्स नाम के इस माउंटेन की हाइट 24 किलोमीटर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।